सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ यश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो फिर से होने वाला है भाई मंगल भाई की बाइक पे। तो जो लाइट्स वगैरह वाली जो वीडियो थी यार, उस पर मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। मैंने मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा। तो एक और DIY अपन इस पर करने वाले हैं, जो कि है ये। हम लोग लगाने वाले हैं इस पर नया हैंडल बार, जो कि है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का। तो मेरी यूट्यूब पर जो पहली वीडियो थी वो भी भाई इसी हैंडल बार पे थी, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल, जो कि जुनैद भाई की कंपनी। तो उन्हीं से यार ये हैंडल बार मंगवाया। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और बताता हूँ आपको कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले करना ये है कि जितने भी जो स्विचेस वगैरह हैं ये सारे इसमें से ओपन कर लेंगे हम। और जो आपको ये वेट दिख रहे हैं हैंडल बार वेट से, ये भी ओपन करने हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपन हैंडल बार वेट्स हैं उनको निकालते हैं। 6 mm की एलंकी से ये वेट आपका ओपन हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा साइड भी करना है। तो हैंडल बार्स देखिए मैंने दोनों साइड का हटा दिए हैं। अब हम जो ये मिरर है इसको ओपन करेंगे, जिसके लिए 8 नंबर की आपको चाबी चाहिए रहेगी। और इसको सिर्फ दोनों बोल्ट खोल लें और ये मिरर बाहर आ जाएगा। और ये देखिए हमारा ये मिरर अलग हो गया है और जो ब्रेक लीवर है ये भी अलग हो गया है। अब इसकी बारी है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एक ही बोल्ट होता है, इसमें तो दो होते हैं। तो हमको पहले ग्रिप हटानी पड़ेगी, साथ ही पूरा जो स्विच सेंटर है इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये वाली ग्रिप यार खोलने के लिए आपको इसमें पहले एक स्क्रू ड्राइवर ऐसे डालना पड़ेगा और साथ में ये देखिए थोड़ा सा ऑयल है, ये स्क्रू ड्राइवर पे लगाइए और इसके अंदर इसको और अंदर साइड पे इसको ऐसे घुमाइए थोड़ा। तो उससे क्या होगा कि अंदर पूरा ऑयल लग जाएगा, तो जो ग्रिप है वो भी ढीली हो जाएगी और इसको निकालने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए भाई, ऑयल डालने के बाद ये ग्रिप अपने आप ही, ये इसको हटा देते हैं स्क्रू ड्राइवर को। और ये देखिए भाई जो ग्रिप है वो निकल आई है, अब है इसकी बारी। तो अब इसको जो स्विच है उसको ओपन करने के लिए देखिए, एक स्क्रू यहाँ पे ये लगा है और एक है इस साइड पे। तो इन दोनों को अपन कर लेंगे लूज़ और उसके बाद इसको भी यहाँ से बाहर निकालेंगे। भाई बहुत आसान है ये काम करना। ये देखिए लूज़ भी हो गए हैं, तो इसके स्क्रू हटा दिए हैं। इसको बस नॉर्मली ऐसे निकाल के अलग रख दीजिए, ये है। इसको बाद में अपन सब फिक्स करेंगे, मैं बता दूंगा कैसे फिक्स करना है। अब बारी आती है इसको लूजन करने, लेकिन उसके पहले जो ये वाला है मैं इसको निकालने वाला हूँ, क्योंकि एक्सीलेटर भी कैसे निकलेगा वो भी आपको बताता हूँ। तो इस साइड वाला जो स्विच है उसको खोलने के लिए एक आपको देखिए बोल्ट, एक स्क्रू आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर लगा हुआ है, और एक स्क्रू जो ये वाला है इसको खोलिएगा। ये वाले को भाई टच मत करिएगा, बस सिर्फ ये 2 स्क्रू हैं, सिर्फ यही ओपन करने हैं। और इनको भी ओपन करना भाई बहुत आसान है, तुरंत ओपन हो जाएंगे। इसको भी भाई मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा भाई आपको मुश्किल हो सकता है निकालना। तो ये एक्चुअली यहाँ पे पिन होता है, इसको हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा भाई ये मुश्किल काम है। तो ये देखिए ये यहाँ से निकल आया है। अब ये आप देख रहे हैं इसमें वायर कनेक्टेड है, तो ये वायर जो है इसको भी हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये देखिए ये भी आसानी से निकल आएगा और जो ये ग्रिप है ये भी निकल गई। तो अब जो ये मिरर दिख रहा है इसको भाई अपन कर लेंगे लूज़, लेकिन इसको थोड़ा सा भाई टाइट रहेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। इसको भाई सिर्फ लूज़ करना है, अभी ये निकल नहीं पाएगा। उसके लिए ये जो बोल्ट्स हैं हैंडल के, अब इनको हम ओपन करेंगे। तो जो ये नीचे वाले जो बोल्ट हैं ये 13 नंबर से खुलेंगे। तो भाई ये देखो इसको भी मैंने ओपन कर लिए हैं। तब जो ये बड़े वाले जो बोल्ट हैं इनको ओपन करने के लिए 17 नंबर की जो चाबी है उसको यूज़ करेंगे और इसको ओपन करेंगे। थोड़ा सा भाई टाइट होगा, ये खुल गया, खुल गया। इसको हल्का सा लूज़ कर लिया है। अब जो ये वाला साइड है इसको भी ऐसे ही लूज़ कर लेंगे। ये देखिए भाई सच बता रहा हूँ ना, अगर टूल किट होती है ना अपने पास भाई, काम करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब ये सब टूल्स होने एक ही जगह पे भाई आपके पास हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है भाई काम करने। तो भाई ये चारों बोल्ट्स हैं वो निकल चुके हैं। अब हैंडल को निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो अब ये देखिए हैंडल, पहले प्लेट है इसको अलग रख लेंगे, और जो ये हैंडल है ये भी हमारा निकला है। मैंने इसको देखिए अब लूज़ कर दिया था, तो इसमें से अपन ऐसे करके ये वाला जो लीवर है ये भी देखिए बाहर आ गया है, और जो ये हमारा हैंडल है ये हटा लिया है। भाई वीडियो में जितना आसान दिखता है ना, इतना आसान होता नहीं है, टाइम लगता है भाई सब करने में। सबसे पहले भाई हैंडल को लेके और जो ये लीवर है इसके अंदर भाई आपको लगाना पड़ेगा।
बस। तो ये देखिए इसमें भाई थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, ये किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब ये वाला जो लीवर आपका लग जाए उसके बाद जो हैंडल है उसको वहीं पे लगाना है। अब इसमें एक और समस्या आएगी, ये देखिए पास में आके, कि आपकी जो क्लच केबल है वो आपको लगेगा कि बहुत टाइट है, इसमें फिक्स नहीं हो रही है। तो अब मैं बताता हूँ क्लच केबल को ढीला कैसे करेंगे। तो यार जैसे ही हमने जो ये जो क्लच वाला जो साइड था वो लगाने के बाद आपको हैंडल यहाँ पे लगा के इसमें जो प्लेट है फिक्स करके जो ये दोनों बोल्ट्स हैं इससे इसको टाइट कर दीजिए, और जो नीचे वाले जो बोल्ट्स हैं उनमें भी बांसा लगा के इसको टाइट कर दीजिए। मतलब पूरी तरीके से टाइट मत करिएगा क्योंकि अपने हिसाब से हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी नॉर्मली बस टाइट कर दीजिए, जब फिर सारी फिटिंग्स कर लेंगे उसके बाद अपने हाइट और पर्सनैलिटी के हिसाब से इसको हम लोग टाइट करेंगे। ये आपको जो एक यहाँ पे ये पिन देख रही है वैसे ही आपको एक ये देखिए छेद ऊपर यहाँ पे इसमें हैंडल बार में यहाँ पे दिखेगा। तो आपको करना क्या है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करके और पिन बिल्कुल उसी से मिलानी है, क्योंकि तो आपको जो ये देखिए पिन उसी में लग गई है तो बिल्कुल सही जगह पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको टाइट करिएगा, उसके पहले इसको टाइट मत करिएगा। अब इसमें हम लोग बोल्ट से इसको टाइट कर देंगे। तो अब जो ये एक्सीलेटर ग्रिप है इसको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद ये वाला जैसे जैसा अपन ने उस तरह किया था इसमें भी देखिए आपको लॉक मैकेनिज्म दिख रहा होगा सेम वैसा यहाँ पे है। तो इसको भी अपन यहाँ पे लॉक करने से पहले आपको करना ये है कि जो एक्सीलेटर का जो वायर है उसको इसमें आपको वापस ऐसे फिक्स करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैमरा पास में, तो ये देखिए इसको फिक्स करने का तरीका है ऐसे, और बस इसको ऐसे ये देखिए घुमा देना है तो ये अपने आप इसमें फिक्स हो जाएगा। और इसको ये इसमें फिक्स हो गया। उसके बाद अपन को करना ये है कि यहाँ इसको ऐसे बंद करेंगे और ये देखिए, और ये देखिए इस वाला इसको भी ऐसे फिक्स करने के बाद इसको टाइट कर देंगे सीधे सीधे बोल्ट से ऐसे, और ये टाइट हो चुका है। और एक्सीलेटर भी भाई मस्त एकदम काम कर रहा है। अब इसकी फिटिंग करेंगे। उसके बाद जो ब्रेक लीवर है उसको हम इसमें फिक्स करेंगे। तो पहले अपने हिसाब से उसको देख लीजिए कहाँ, पहले उसको थोड़ा सा बस हल्का सा टाइट कर लेंगे अपन सीधे सीधे बोल्ट से, उसके बाद बाकी और काम करेंगे। तो अभी आपने जैसे पता है कि हैंडल मैंने अभी पूरी तरीके से टाइट नहीं किया है, बाकी जो मेन फिटिंग है वो सारी कर दी है। क्लच में अगर आप हो सकती है आपको दिक्कत आए तो इस वायर को है पकड़ के अपनी तरह वैसे खींचिएगा तो जो एक्स्ट्रा वायर वो अंदर रहती है वो आगे आ जाएगी। बाकी जो नीचे वाला साइड है यहाँ पे इसमें से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कई लोगों की ऐसी शिकायत आएगी मुझे कि यार ये ना वायर सेट नहीं हो रहा। भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखिए आराम से भाई क्लच काम कर रहा है। अब जैसे मैं अपनी हाइट के हिसाब से बैठा हूँ तो हैंडल थोड़ा सा ऐसे नीचे चाहिए तो यह देखिए। बाकी आपका अगर अपवर्ड पोजिशन में ज़्यादा चलाना है तो हैंडल को आप सीधा कर सकते हैं, और मतलब सच्ची बता रहा हूँ सेटिंग पोस्चर एकदम बदल जाएगा। जो नॉर्मल जो हैंडल आता है ना भाई वो भाई मुझे नहीं पसंद है। बाकी भाई देखो कोई ऑफेंस मत हो जाना इस बात से। और अभी एक कमेंट में यार भाई एक भाई आपने कमेंट किया था जो लाइट्स वाली वीडियो थी इस बाइक की, कि बाइक को छपरी मत बनाओ क्लासिक है क्लासिक रहने दो। तो यार मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यार अपना अपना टेस्ट होता है भाई, हम अपनी बाइक को इस तरीके से भाई कस्टमाइज़ करें क्योंकि हम लोग भाई राइड्स वगैरह करते रहते हैं। और भाई अगर आप राइड्स वगैरह नहीं करते तो आपको लाइट्स वगैरह की दिक्कत नहीं पड़ेगी। और भाई अपना अपना टेस्ट है, आपको अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं है, बट आपने हमारी वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। तो ये देखिए भाई बाइक का लुक आगे से कुछ ऐसा आ रहा है। एक्चुअली मैंने इसमें जो नकल गार्ड्स थे ये भी फिट कर दिए भाई, ये देखिए सेफ्टी के लिए है। कुछ लोग इसको लगाते हैं कि भाई शो के लिए, बाकी पीछे से बाइक का लुक कुछ ऐसा आएगा। और सामने से एक बार देख लीजिए कि आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल की बैजिंग है इसमें, और ये है भाई फ्रंट का लुक बाइक का। तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा है। तो भाई जिनको अगर छपरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट जब तक बाइक को ना आप अपने हिसाब से भाई कस्टमाइज़ नहीं करते हैं तब तक वो बाइक आपकी नहीं रहती है उसके पहले तक। और खुद से तो देखिए हर कोई नहीं कर सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। भाई देखो मुझे शौक है तो मैं ये करता रहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि भाई चिंदी चोरी है तो हाँ हम चिंदी भी हैं। बाकी जब तक आप बाइक को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं कर देते हैं, बाइक आपकी नहीं होती कंपनी की होती है, जब तक आपकी बाइक देख के आपको लगे नहीं कि हाँ यार एकदम बिल्कुल हट के मेरी बाइक है तब तक बेकार है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। बाकी जो भी फिटिंग्स वगैरह थी वो मैंने लगा दी। और अगर आपको ये देखना है कि नकल गार्ड मैंने कैसे फ़िट किए हैं तो मेरी हिमालयन की एक वीडियो है उसको चेकआउट करिएगा, कोशिश करूँगा ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँ। बाकी जो ये हैंड गार्ड्स हैं
ये हिमालयन में मैंने पहले फिट किए थे उसमें हटा दिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने राइडर फ्रेंड्स से इसको शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जैसे लास्ट वीडियो में जैसा प्यार दिया था ना लाइट वाले में, इस वाली वीडियो में भी भाई ऐसा ही प्यार दो। टिल देन, लाइफ इज शॉर्ट, द वर्ल्ड इज वाइड, हैप्पीनेस इज राइडिंग माय बाइक।